आपको दिखा रहे हैं राजघाट से, जहां पर राष्ट्रपिता को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और आज उनकी पुण्यतिथि है। और इस मौके पर आप देखेंगे राजघाट में तमाम बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जेपी नड्डा भी मौके पर मौजूद है, राजनाथ सिंह भी मौके पर हैं, तो केंद्रीय कैबिनेट के बड़े चेहरे आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज राजघाट में बापू को नमन करने के लिए तमाम दिग्गज मौके पर मौजूद हैं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हम सबके बापू को आज श्रद्धांजलि अर्पित और करने के लिए ये पूरा कार्यक्रम। और जैसे कि आप सुन पाएंगे यहाँ पर जो बापू के प्रिय भजन है वो भी गाए जा रहे हैं, और साथ ही पुण्यतिथि के इस खास मौके पर आप देखेंगे कि जो बहुत ही सरल कार्यक्रम हैं वो यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। तो प्रभु का नाम लेते हुए यहाँ पर भजन। और ये देखिए अब आप, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प अर्पित कर बापू को नमन किया, केंद्रीय कैबिनेट के और भी बड़े चेहरे आपको नजर आए, और राजनाथ सिंह भी मौके पर मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौके पर मौजूद, और आज पूरे देश में बापू को नमन किया जा रहा है। जगह जगह कई ऐसे छोटे बड़े कार्यक्रम, जब श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और बापू को याद किया गया, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की एक बार फिर से प्रण लिया जा रहा है। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना, ये दो बड़ी सीख उन्होंने भारतवर्ष को दी। और आप ये देखिए कि यही एक ऐसी नीति है जिसके माध्यम से आगे बढ़ा जाए और आप ना खुद कष्ट पाएंगे ना दूसरों को कष्ट में डालेंगे। साफ कहना था बापू का, बापू के बताए सिद्धांत, बापू के बताए आदर्शों पर चलने के लिए अब एक बार फिर से आप तत्पर हो जाइए, ताकि आपकी वजह से कोई दूसरा कष्ट ना उठा पाए। तो देखेंगे ये दो तस्वीरें अब आपको दिखाई जा रही हैं, एक तरफ जो पावन ज्योति जल रही है और दूसरी तरफ बापू को नमन करते हुए लोग एक एक कर निकल रहे हैं। तो गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी, आज उनकी पुण्यतिथि है और आज इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बापू को नमन करने के लिए कई बड़े चेहरे, बड़ी हस्तियां मौके पर इस वक्त देखी जा रही हैं। राजघाट से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। तो एक बार फिर से हम सभी को ये प्रण लेना है कि बापू ने जो मार्ग भारत देश को दिखाया है, खास तौर पे युवाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि युवाओं के अंदर जोश होता है, ऊर्जा होती है, जाहिर सी बात है तुरंत निर्णय लेने की क्षमता बहुत ज्यादा उनमें रहती है, लेकिन आपको धैर्य से काम लेना है, अहिंसा के रास्ते पे चलना है, सत्य के रास्ते पे चलना है, और सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की जरूरत है, फोकस रहना है अपने काम में, बाकी चीजों को दरकिनार करते हुए सिर्फ पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है। तो हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है और हर साल शहीद दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। तमाम वो वीर जवान जो शहीद हुए थे उनको नमन किया जाता है। और आप ये देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को बापू की मृत्यु हुई थी और आज उनकी पुण्यतिथि
मनाई जा रही है। तो शहीद दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है, बापू को याद किया जा रहा है, जहां राजघाट में बापू की समाधि है वहां पहुंचकर उनको फूल माला अर्पित किया जा रहा है। और आप देखेंगे कैबिनेट के कई बड़े चेहरों के साथ साथ यहां पर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौके पर पहुंची है नमन करने के लिए बापू को। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और आप देखिए कि हे राम हरे हरे का जाप हो रहा है, क्योंकि जब बापू को गोली मारी गई थी उस वक्त उनके मुंह से आखिरी शब्द हे राम निकले थे। और देखिए कि उनके जब श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होता है तो हमेशा इस भजन का भजन की धुन आपको सुनाई देगी, भजन आपको सुनाई देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौके पर बापू को नमन करने के लिए पहुंची हुई हैं, और कुछ देर पहले आपने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन कर रहे थे बापू को, और अब राष्ट्रपति के ये लाइव तस्वीरें जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बापू को नमन करने के लिए उनके समाधि स्थल में पहुंच चुकी हैं और अब उनको नमन कर रही हैं। तो आज का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और राजघाट पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देखिए तस्वीरें देखिए,